दोस्तों M1 360 प्लांट का ये कीपैड है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, बहुत सारी बटन इसमें काम नहीं करती है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एस्केप अप की बटन है जो दोस्तों वो काम नहीं करती है, और वाटर फिट की बटन, वाटर डिस्चार्ज की बटन, ये चार बटन दोस्तों एक साथ जो है ये काम नहीं करती हैं दोस्तों। तो इसके लिए कीपैड हमने चेंज किया दोस्तों, कीपैड से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके लिए एक कंट्रोल कार्ड लगता है दोस्तों इसके नीचे में, जो आईसी वगैरह के साथ में ये होता है दोस्तों कार्ड, वो तो उसको मैनुअल कंट्रोल कार्ड बोलते हैं दोस्तों। तो उसको चेंज करके अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वैसे 99% उम्मीद है दोस्तों उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर उससे नहीं होगा तो फिर DI से प्रॉब्लम होगा। तो मैंने कीपैड तो लगा कर देख लिया दोस्तों, इससे प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुआ। इसमें कीपैड में बहुत सारी बटन उसमें ख़राब थी, ये नया मैंने कीपैड लगाया है जो कि सारी बटन अच्छी है, काम कर रही है, और उसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता था, ये नॉर्मली में एकदम सॉल्व हो जाता है इसमें से। और दोस्तों इसमें कीपैड, जैसे कोई भी कीपैड अगर दबाते हैं दोस्तों तो उसमें जैरिंग की एक आवाज़ आती है दोस्तों, तो समझ लें आपका हर बटन काम कर रहा है दोस्तों। और जिसमें सरिंग की आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों, वो कीपैड का बटन काम नहीं कर रहा। देखें दोस्तों, अब फिट की बटन दबा रहे हैं इसमें, देखें दोस्तों ये फिट की बटन दबा रहे तो इसमें काम नहीं कर रहा दोस्तों। देखें दोस्तों, ये एस्केप अप की बटन दबा रहे दोस्तों, काम नहीं कर रहा। एस्केप स्टॉप की काम कर रही दोस्तों, एस्केप अप की बटन काम नहीं कर रही। उसी तरह वाटर जो फिट की बटन दोस्तों, ये चार बटन काम नहीं कर रही है दोस्तों। तो इसकी वजह से हमने ये कीपैड चेंज किया, और कीपैड चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों। इसके लिए कंट्रोल कार्ड मंगाए हुए हैं दोस्तों, और कंट्रोल कार्ड को हमने चेंज करना है दोस्तों, चेंज करके और प्रॉब्लम सॉल्व करना है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों कंट्रोल कार्ड दिखा दूँ दोस्तों, ये मैं स्विंग से कंट्रोल कार्ड नया मंगाया हूँ दोस्तों, और ये कंट्रोल कार्ड मैं अभी लगा कर चेक करूँगा, चेंज करूँगा और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा दोस्तों। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप भी सॉल्व कर पाएँ। और मेरी वीडियो में दोस्तों आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कंट्रोल कार्ड चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों। मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। इसके अंदर में जो ये एक पार्ट है दोस्तों, इसको मैंने ऐसे करके इसको खोल रखा है दोस्तों। कंट्रोल कार्ड देखें दोस्तों, ये कंट्रोल कार्ड है दोस्तों, इस कंट्रोल कार्ड में ही प्रॉब्लम है दोस्तों, इस कंट्रोल कार्ड को ही हमें चेंज करना है। अब ये बटन वगैरह ये देख रहे हैं दोस्तों, ये नट को, चार नट को खोल लेना है दोस्तों, और चारों नट को, ये चार नट को खोलने के बाद इस कार्ड को निकाल लेंगे दोस्तों, और इस कार्ड को निकाल के और दूसरा कार्ड लगाकर चेक करेंगे दोस्तों। इस कार्ड को निकालने के लिए दोस्तों ये जो क्लिप है दोस्तों, इस क्लिप को निकालना पड़ेगा दोस्तों। इस क्लिप को निकालने के बाद दोस्तों, जैसे इसको निकाल लेंगे दोस्तों ये कार्ड को, और एक इस साइड का क्लिप निकाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ देखें आप दो क्लिप लगा हुआ है दोस्तों, इस दोनों क्लिप को, सॉकेट को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद और दूसरा लगाने के बाद फिर मैं वो ये जो क्लिप है दोस्तों, ये क्लिप लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और लगाने के बाद दोस्तों चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वैसे 99% है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, अगर नहीं होगा तो DI की प्रॉब्लम आ सकती है। DI से भी कई बार इसका प्रॉब्लम आ जाता है जो आपका बटन काम नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं ताकि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दूँ दोस्तों। चले दोस्तों, मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कंट्रोल कार्ड खोल लिया है पैकिंग से, और दोस्तों अब ये कंट्रोल कार्ड को मैं चेंज करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये एक कंट्रोल कार्ड अब कैसे काम करता है उसमें दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और 99% दोस्तों इस कार्ड से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो फिर DI चेंज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बन रहे हैं ताकि मैं चेंज करके आपको दिखा दूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं कार्ड को ओपनली निकालने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको निकाल लें दोस्तों, और फिर उसके बाद आप इस साइड का इसको निकाल लें दोस्तों, ठीक है। दोनों निकालने के बाद उसके बाद इसको आपको निकाल लेना है दोस्तों, और ये फिर दोनों पिन जो यहाँ पे लगा दोस्तों, ये दोनों पिन को अलग कर लेना है, और फिर ये आपका पेच है दोस्तों, इस पेच को खोल लें।
ये आपका कार्ड दोस्तों अलग हो गया। अब इस कार्ड को हटा देंगे दोस्तों। अब मैं यहीं पे आपको नया कार्ड सेट कर दूंगा दोस्तों, इस कुछ इस तरह से। ये मैंने आपको नया कार्ड सेट कर दिया दोस्तों। अब कार्ड सेट करने के बाद दोस्तों आपको पेच लगा लेने हैं। इस वीडियो में मेरे दोस्तों आप लास्ट तक बन रहे हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा है दोस्तों। और मैंने आपको दोस्तों वो भी बता दिया है दोस्तों कि कीपैड मैंने चेंज किया दोस्तों, कीपैड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। कुछ बटन काम कर रही थी दोस्तों, कुछ नहीं काम की दोस्तों, तो इसकी वजह से मुझे ये कंट्रोल कार्ड मंगाना पड़ा दोस्तों। इस कंट्रोल कार्ड से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आप मैं दोस्तों आपको कंट्रोल कार्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ये सारा आपको फिट करके दोस्तों मैं दिखाता हूँ। कुछ एस्केप करके दोस्तों मत देखना आप बढ़िया से। तो इस तरह से दोस्तों आप ये आपका नए वाला सॉकेट लगा हुआ है दोस्तों। अब मैं ये नए सॉकेट को निकाल देता हूँ दोस्तों। ये पुराने वाला ही सॉकेट मैं ऐसे लगा देता हूँ दोस्तों। इसका देखे दोस्तों, इस तार का दोनों का ये सॉकेट खराब हो गया था, तो ये सॉकेट उसमें नहीं था पुराना वाला में, तो ये ऐसे ही लगा हुआ था। अब ये सॉकेट इसमें नया आ चुका है दोस्तों, तो मैं इसको टेस्टर से नया इसमें सॉकेट कस के, और ये जो पुराना वाला सॉकेट है दोस्तों इसको भी मैं सोच रहा हूँ ये नया ही कस के और फिर सेट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मेरी वीडियो लास्ट तक बने रहें और मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैनुअल कंट्रोल कार्ड मैं लगा दिया हूँ दोस्तों। अब मैं चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि सही हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों कि कई कीपैड इसमें कीपैड में जो कई बटन है दोस्तों वो बटन काम नहीं करती थी दोस्तों। तो इसका मैनुअल बटन भी चेंज हुआ दोस्तों, कीपैड चेंज हुआ दोस्तों। कीपैड चेंज होने के बाद कुछ प्रॉब्लमें सॉल्व हो गई, जैसे बटन को हार्ड दबाना पड़ता था दोस्तों, तो वो प्रॉब्लमें सॉल्व हो गई। बट कोई प्रॉब्लम जो उसमें जो बटन काम नहीं करती थी दोस्तों वो सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से ये कीपैड कंट्रोल कार्ड हमको मंगाना पड़ा दोस्तों। कंट्रोल कार्ड मंगाने के बाद इसको लगाए दोस्तों। अब मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाया हूँ दोस्तों कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। चले दोस्तों, अब मैं प्लांट ऑन करा लिया हूँ दोस्तों। तो ऑन कराने के बाद दोस्तों अब मैं आपको प्रॉब्लम में ले चलता हूँ दोस्तों। आप देखे थे दोस्तों आपको ये बटन काम चार्ज नहीं कर रही थी दोस्तों। अब मैं ये चालू करके देखता हूँ। तो देखे दोस्तों ये बटन आपकी काम करने लगी दोस्तों, ये चार बटन दोस्तों आपके काम नहीं करते थे दोस्तों। देखें आपको इस चारों बटन काम करने लगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रॉब्लम जो था दोस्तों ये कीपैड कंट्रोलर कार्ड जो दोस्तों ये है ये ख़राब हो गया था दोस्तों, इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आता था दोस्तों। तो कीपैड कंट्रोलर कार्ड चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। तो आपके पास भी दोस्तों कभी भी प्रॉब्लम अगर ऐसा आता है दोस्तों तो आप इसको कीपैड कंट्रोलर से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। पहले तो ये कीपैड मंगा के हमने जो प्रॉब्लम चेक किया था दोस्तों, तो उसमें कई सारी ऐसी बटन थी दोस्तों जो बहुत ज़्यादा तेज़ दबाने के बाद वो कंट्रोल काम करता था दोस्तों। इसकी वजह से मैंने दूसरा चेंज किया और चेंज करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि एक बार टच करने के बाद हल्का ही टच करते हैं तो वो दोस्तों रीसेट हो जाता है तुरंत ही। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको मैंने
प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दिए दोस्तों। तो चले दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो लाइक कमेंट दोस्तों करें। और दोस्तों अब मैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही। ओके बाय दोस्तों।